यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49 यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49 अम्मोनियों के विषय यहोवा यो कहता है, क्या इस्राएल के पुत्र नहीं है? क्या उनका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ और उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अम्मोनियों के रब्बा नाम नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनाऊंगा और वह उजड़कर खंडहर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएंगी। तब जिन लोगों ने इसराइलियों के देश को अपना लिया है उनके देश को इसराइली अपना लेंगे। यहोवा का यही वचन है। हे हेशबोन, हाय हाय कर, क्योंकि ये नगर नाश हो रहा है। हे रब्बा की बेटियों, चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो, छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेष करके अपने बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों की ओर से तेरे मन में भय उपजाने पर हूं और तेरे लोग अपने अपने सामने की ओर ढकेल दिए जाएंगे और जब वे मारे मारे फिरेंगे तब कोई उन्हें इकट्ठा न करेगा, परंतु उनके बाद मैं अम्मोनियों को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यो कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहां छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? और यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूटकर न ले जाते? क्योंकि मैंने एसाव को उधारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहां तक कि वह छिप न सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नाश हो गए हैं और उसका अंत हो गया है। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से पिए उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा, फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरकर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहरकर न बचेगा, मुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैंने अपनी सौगंध खाई है कि बोस्त्रा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में यह कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब की नाय अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम यहां तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। यहोवा का वचन यह है कि जैसे सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसी ही उनकी दशा होगी। वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। देखो वह सिंह की नाई यर्दन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा
और मैं उनको उनके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैंने चुन लिया है या जिसको मैं चुन लूं, उसको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है और कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहा है जो मेरा सामना कर सकेगा? देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, वह चराइयों को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो, वह उकाब की नाई निकलकर उड़ जाएगा और बोस्त्रा पर अपने पंख फैलाएगा, और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मान जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दमिश्क के विषय हमात और अर्पत की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा सुसमाचार सुना है। वे गल गए हैं, समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपकपी ने उसे पकड़ा है। जच्चा की सी पीड़ा उसे उठी है। हाय वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पुरी जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा, और मैं दमिश्क की शहरपनाह में आग लगाऊंगा जिससे बेंदत के राजभवन भस्म हो जाएंगे। केदार और हासोर के राज्यों के विषय, जिन्हें बाबुल के राजा नबूकदनेज़र ने मार लिया, यहोवा यो कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूर्वियों को नाश करो, वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बर्तन उठाकर ऊंटों को भी हाँक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकार के कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। यहोवा की यह वाणी है, हे हासोर के रहने वालों, भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो, क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यहोवा की यह वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाले जाति के लोगों पर चढ़ाई करो जो निडर रहते हैं और बिना किवाड़ और बेंडे के यो ही बसे हुए हैं। उनके ऊंट और अनगिनत गाय बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है, हासोर गिदड़ों का वासस्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। यहूदा के राजा सिदकिया के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं एलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए न आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। और यहोवा की यह वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा, और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नाश करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुवाई से लौटा ले आऊंगा।